स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी, जो पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्मल भारत कार्यक्रम का संशोधित रूप है। स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रूप से महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। इसके तहत 2019 तक यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य किया गया है। इसके तहत सरकार ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक शौचालय और साफ सफाई की सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। इसमें जनता में सफाई के लिए, साफ सड़कों और गलियों के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए जागरूकता पैदा करना भी शामिल है। शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में सबसे साफ शहरों की सूची जारी की, जिसमें मैसूर 1 शहर बना। इसके बाद तिरुचिरापल्ली और नवी मुंबई को 2 और 3 स्थान पर रखा गया।